हेलो, गुड मॉर्निंग आवराम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ज़रूर बताइएगा। सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं अपना पीछे कपड़े वगैरह थे सब कुछ फोल्ड करके अभी जस्ट आई हूँ। रिकॉर्ड सुबह करने का मन नहीं करता। इधर मैंने अभी चल रही हूँ अपने लिए, कुछ पानी गर्म करूँगी और पीऊँगी, उसके बाद अब बनाने वाली हूँ। ये चना निकाल के रख दिया है, देखिए बढ़िया स्प्राउट हो गया है। चना है, आलू है, तो आलू चना का ऐसी सब्जी बनाने वाली हूँ टमाटर डाल के। तो आजकल सुबह सुबह इसी तरह की भागा दौड़ी मची रहती है क्योंकि थोड़े काम बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे चना मैंने सीधा ही हींग डाल के डाल दिया है तेल में, मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। उसके बाद फिर चना थोड़ा भुन गया तो फिर आलू डाल दिया है। अब इसको भी थोड़ी देर चला चला के उसके बाद हम इसमें प्याज काट लेते हैं। तो थोड़ा सा प्याज इसमें ज़्यादा डलता है, तो प्याज इसको लास्ट में डालती हूँ, इसलिए कि प्याज का जो रस होता है ना, उससे क्या बढ़िया से आलू और चना बढ़िया पक जाता है। वैसे तो चना को अगर कुकर में उबाल लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, रूखा नहीं लगता, लेकिन इस तरह से बनाओ तो थोड़ा रूखा कम लगता है। और इसमें खटास में डाल रही हूँ नींबू का, तो नींबू के खटास से बहुत अच्छा लगता है। तो नींबू की खटास डाल दिया है, गैस बंद कर दिया है। इधर अब रोटी बना लूँगी और उधर आ गया दूध। दूध वाला कोई भरोसा नहीं, कभी थोड़ा जल्दी आ जाता है, कभी थोड़ा सा लेट आ जाता है। तो फिलहाल आज टाइम पे आ गया है तो उबाल लूँगी, जिससे ताज़ा दूध रह जाता है ना बच्चों को देने के, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। फिर देखो आ गया, तो फिर अब मैं इसको ले आती हूँ। तो ये आजकल मैं दूध थोड़ा कम करवा दी हूँ ये, और एक छोटा बॉटल मंगा रही हूँ। एक गाय का दूध है ये जो मैं फ्रिज में रख रही हूँ बॉटल धो के, और एक दूसरा जो है अलग है। तो ये गाय वाला दूध अलग मंगा रही हूँ इसलिए कि भगवान शंकर जी को चढ़ाने के लिए, तो वो मैं इसलिए धो के फ्रिज में रख देती हूँ जिससे फटे ना, फिर उसके बाद ले जाएंगे चढ़ाने के लिए। इधर उबाल दे रही हूँ क्योंकि मैंने चाय पीना छोड़ दिया है, तो इसलिए दूध अब कम ज़रूरत पड़ रही है। जब मैं चाय पीती थी तो उसमें मैं 2 बार चाय पीती थी सुबह शाम, तो काफ़ी दूध उसमें लगता था। तो अभी जैसे चाय छोड़ी हूँ तो बहुत कुछ सही हो गया है, एसिडिटी सही हो गई है मेरी और दूध भी कम लग रहा है। तो फिलहाल अब मैं रोटी को देखो किस तरीके से, इस तरह से मैं जो पिज़्ज़ा कटर है उसी से काट देती हूँ। उससे क्या है कि बीबू को बाइट उठाने में आसानी होती है, और टिफ़िन में भी रख देती हूँ ना तो बड़े आसानी से ढंग से रख जाता है। ऐसे जब रोटी को फोल्ड करके रखते हैं तो वो क्या है कि थोड़ी मोटी हो जाती है, ऐसे रखना बहुत आसान होता है। कोई जिधर वो तिकोना वाला भाग होता है उधर फिर चौड़ा वाला भाग कर देते हैं, फिर चौड़े वाले की तरफ तिकोना वाला, ऐसे करके रख देते हैं। तो अभी क्या है, सब्जी थोड़ी गर्म है तो अभी खुला ही रखूँगी। एक दिन ऐसे ही दे दिया था विभू को, एकदम से जाम हो गया, तो वहाँ पे टीचर लोग भी नहीं खोल पाई। और ये है, ये खजूर रखा हुआ था तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन अभी अब जाके मैं इसको निकाल रही हूँ और इसके बीज निकाल के और इसको जो है बनाऊंगी। लड्डू बनाना है कुछ ड्राई फ्रूट के, तो इसलिए मैं इसके पहले छिलके वो सारे बीज अलग कर रही हूँ, इसको कर लेती हूँ। अगले वीडियो में मैं ये लड्डू आप लोग साथ जरूर शेयर करूँगी, बहुत बढ़िया लड्डू बनता है इसका, खजूर और ड्राई फ्रूट का। तो और इसका तरीका आप लोग देखेंगे ना तो गजब का तरीका है, तो उस तरीके से बनाऊँगी। तो देखिए देखिए, मैं इसके जो बहुत कड़क है अभी, हालांकि कच्चा है लेकिन कड़क है थोड़ा। तो इसके बीज निकाल के पहले सारे बीज निकाल दिए इनके, ये देखिए। अब इसको जो है सबसे पहले या तो कढ़ाई में इसको बढ़िया से भून लें या फिर फ्रीजर में डाल दें। फ्रीजर में डालने से क्या होगा कि कड़क हो जाएगा और मिक्सी में बढ़िया से पिस जाता है। इसे हम सबसे पहले यहाँ डालेंगे फ्रीजर में, इसलिए कि ये एकदम कड़क हो जाएगा, उसके बाद इसको पीसेंगे। तो आज डिसाइड किया था कि विभू को बहुत ज़्यादा पसंद है पाव भाजी, तो कई सब्जियां थोड़ी थोड़ी बच गई थी, सब्जी मंगाना था, तो मैंने सीधा इसको मसाले वगैरह डाल के हल्का सा छौंक के उबाल दिया है।
अब उसके उबाल दिया है, तो अब इसको मैश करने के लिए देखो आ गए हैं, कह रहे मैं मैश करूं। तो इसमें डाल रही हूँ बटर। हर चीज प्लास्टिक में, खास करके मछलियों में, क्योंकि समुद्र में तो है ही इतना प्लास्टिक। नॉन वेज मत खाओ, पेड़ पौधे खाओ, पेड़ पौधे प्लास्टिक नहीं खाते हैं। सनातन धर्म में ज्वाइन करो। तो यहाँ पे मस्त मेरी भाजी एकदम मस्त बन के तैयार है, इतनी बढ़िया बनी थी क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। अब पाव सेक लेती हूँ। पाव में वही बटर, छोटे छोटे बटर के वो आए हुए थे भाई, बहुत परेशानी हुई मुझे निकालने में। यार इसको ऐसे साबुत निकाल के सीधे ही फ्रिज से डाल दो तो किसी चीज़ में डालना हो तो ठीक है, लेकिन पिघला दो तो इसमें से निकालना मुश्किल हो जाता है। छोटा छोटा एकदम है इसके, पता नहीं कैसे पैकेट हैं। तो चलो फिलहाल मैं पाव सेक लेती हूँ और इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अब से ब्लॉग कंटिन्यू रोज आएगा, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।